नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोलकाता के हावड़ा की रहने वाली युवती के साथ जमशेदपुर में गैंग रेप। जमशेदपुर के युवक से प्रेम करना पड़ा युवती को महंगा। शहर बुलाकर किया दुष्कर्म, फिर मारपीट कर फेंका नदी किनारे। शहर में बढ़ती चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने विशेष टीम गठित कर किया 4 चोरों को गिरफ्तार। इनके पास से चोरी के सामान हुए बरामद। 2 नाबालिग भी हैं इसमें शामिल। धालवुम अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने मातहतों के साथ की बैठक। दुर्गोत्सव के दौरान विधि व्यवस्था व विसर्जन को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने को लेकर दिया मातहतों को कई दिशा निर्देश। जमशेदपुर के स्कूलों द्वारा बस सेवा शुरू किए जाने की मांग पर जमशेदपुर अभिभावक संघ के सदस्य अनशन पर चले गए। बार बार इस जायज मांग को लेकर इन्होंने की आवाज बुलंद, पर नहीं सुनी गई इनकी बात। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता के हावड़ा की रहने वाली एक युवती के साथ शहर में गैंग रेप हुआ। आपको बता दें कि कोलकाता के हावड़ा की रहने वाली ये युवती जमशेदपुर के एक युवक से प्रेम कर बैठी। घटना के बाद घायल अवस्था में युवती को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर मामले की जांच की। युवती के प्रेमी ने पहले उसे जमशेदपुर बुलाया, फिर उसके बाद उसे हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को भी उसे परोस दिया। वैसे विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई और जान से मार डालने की नियत से मार कर उसे नदी किनारे फेंक दिया गया। वहीं अहले सुबह जब कुछ लोग नदी जा रहे थे तो देखा कि एक युवती नदी किनारे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। उधर इसकी सूचना इन्होंने स्थानीय थाने को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और युवती को उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। जमशेदपुर के नगर पुलिस अधीक्षक भी एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने युवती के परिजनों से कई जानकारियां ली। इस दौरान इन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ना शीतला मंदिर के पास की ओपन स्पेस बता रही है, बट एग्जैक्टली जब तक हम लोग स्पॉट देख नहीं लेते हैं तब तक लड़की बाली है कि नवाली बाली है। अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि कुछ बोल नहीं पा रही है ज़्यादा। अपना नाम सिर्फ बताई है उसके डिटेल, लेकिन देखने से लग रहा है कि वो नवाली है। कहाँ की रहने वाली है? हावड़ा की रहने वाली बता रही है, लेकिन एग्जैक्ट कन्फर्मेशन डेट के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट आ जाता है उसका। कब लेके आया था बता रहे? कल रात। जमशेदपुर पुलिस ने बढ़ती चोरी की घटना पर अंकुश लगाने की दिशा में 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जो बंद घरों और घर में अकेले रह रहे व्यक्तियों को डरा धमका कर चोरी की घटना को अंजाम देते आ रहे थे, जिस पर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए इनको पकड़ लिया। इसमें 2 नाबालिग चोर भी शामिल है। इसके पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, एलईडी टीवी, इंडक्शन चूल्हा, 2 मोबाइल, लेडीज घड़ी, टैब और एक बाइक बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए चोरों ने कदमा और सोनारी के क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम देकर आतंक मचा रखे थे। पुलिस ने एक विशेष टीम तैयार कर चोरों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है, वहीं नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। सोनारी थाना क्षेत्र में 2-3 घरों में लगातार चोरी की घटना सामने आई थी, उसका उद्भेदन कर लिया गया है और उसमें जो गिरोह शामिल था, टोटल 4 लड़कों का गिरोह है, जिसमें 2 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं। ये चारों लड़कों रात में लगभग 2-3 बजे के आसपास आसपास के कॉलोनी में घूमते थे और घूम के जो घर बंद पाया जाता था, या अगर कोई एक ही आदमी है जो सोया हुआ है, ऐसे घरों में घुस करके इनके द्वारा चोरी किया जाता था। तो जो घटना घटित हुई थी उसको उसका उद्भेदन कर लिया गया है और डिफरेंट कांडों में जो चोरी की गई, जैसे एलईडी का एक एलईडी टीवी, इंडक्शन चूल्हा, मोबाइल, कुछ जेवरात हैं, 2 रिस्ट वॉचेज हैं, इन सभी चीज़ों को बरामद किया गया है इनके निशानदेही पर। इसमें से 2 जो मेल लड़का है वो अमित पासवान और डॉक्टर है, जो जाहिरा बस्ती निर्मल नगर सोनारी का रहने वाला है, और जो संदीप कुमार रिजेल छेत्री, ये सिनी सिंह भट्टा
के आसपास का रहने वाला है। इसमें से अमित पासवान का आपराधिक इतिहास रहा है, ये 2014 में भी चोरी के केस में ही जेल में गया था। जमशेदपुर में धालमू अनुमंडल पदाधिकारी ने गुरुवार को अपने माथतों के साथ दुर्गोत्सव को लेकर विधि व्यवस्था कायम रखने तथा विसर्जन को लेकर एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिया। धालमू अनुमंडल के नए पदाधिकारी चंदन कुमार ने शहर के स्टेक होल्डर्स, पुलिस पदाधिकारी तथा स्वयंसेवी संस्थानों के साथ बैठक की। इस दौरान दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छता पर ध्यान देने, विद्युतीकरण के पुख्ता इंतजाम, पेयजल की व्यवस्था आदि समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने इससे पूर्व घाटों का भी निरीक्षण किया। इस मामले में उन्होंने कहा कि घाटों के निरीक्षण के बाद कई तरह की समस्याएं सामने आई है, जिस पर बैठक में चर्चा की गई। घाटों में ज्यादा ढलान, उबड़ खबड़ आदि को ठीक करना, नदी में बैरिकेडिंग तथा गोताखोरों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी स्टेक होल्डर्स और जितनी भी एजेंसीज हैं उनको बुला करके उनसे विस्तृत उनको ब्यौरा दिया गया है कि क्या क्या दुर्गा पूजा के सफल आयोजन और मूर्तियों के विसर्जन क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए प्रत्येक को कार्यक्रम उसके बाद पहले से किए गए आवंटित कार्यों की भी कुछ। जब आज हम लोग स्वच्छ भारत की मुहिम शुरू कर रहे हैं, ऐसे में पूजा जैसे पुण्य यदि वर्षीय इन सब चीज़ों को के लिए निर्देश दिए गए। इसके अलावा एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाना, फायर ब्रिगेड की संख्या बढ़ाना, लूज बिजली के तारों को टाइट करना, विसर्जन के दौरान मूर्तियों के प्रोसेशन में व्यवधान ना हो इसका प्रयास करना, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा की। हम लोगों ने बिल्कुल घाट बाय घाट प्रत्येक घाट का जो जो वहाँ पे कठिनाइयाँ दिखी वहाँ पर, जैसे कहीं ढलाव ज़्यादा है, कहीं रास्ता उस तरह का अच्छा नहीं है, और इस पर हम लोगों ने बिंदुवार सारी चीज़ें चर्चा भी की है, आज भी की है, आगे भी उनके लिए निर्देश चाहते हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा शहर के स्कूलों द्वारा स्कूली बस सेवा शुरू किए जाने की मांग पर गुरुवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। जिला मुख्यालय के समक्ष इन्होंने अनशन शुरू किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों स्कूली ऑटो चालकों तथा वैन चालकों ने हड़ताल किया था, जिससे काफी समस्याएं हुई थी। वहीं एक चालक की लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान चली गई और एक बच्ची के साथ चालक ने गलत करने का प्रयास भी किया था। इन सभी मुद्दों पर जिले के उपायुक्त ने स्कूल प्रबंधनों को एक माह के भीतर बस सेवा शुरू करने का आदेश दिया था। इसका अभिभावक संघ ने भी समर्थन और मांग किया था। एक माह का समय बीत जाने पर भी स्कूलों द्वारा बस सेवा शुरू नहीं किए जाने के खिलाफ संघ ने अनशन शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन जानबूझकर बस का किराया इतना ज्यादा कर रही है कि अभिभावक इससे इनकार कर रहे हैं, जबकि रांची जैसे पौश इलाके में काफी कम रेट पर स्कूल बस चला रही है। इन्होंने कहा कि जब तक बस सेवा शहर के स्कूलों में शुरू नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वाहनों से स्कूल जाने के लिए मजबूर बच्चे हमेशा से दुर्घटना का सामना करने के लिए भी मजबूर हैं, क्योंकि निजी स्कूली वाहन चालकों द्वारा जिस तरह से लगातार ओवरलोडिंग की जाती है, स्कूल प्रबंधन हमेशा से बस सेवा देने से भागते रहे। रांची में संघ द्वारा रांची के एक स्कूल का जो बस का किराया का जो रसीद लाया गया है उसमें 3 महीने का 1760 रुपया डिमांड किया जाता है बस फेयर के रूप में, यानी 1 महीने का 600 रुपया, और जमशेदपुर के निजी स्कूल प्रबंधन 1200 से 1500 रुपये 1 महीने का मांग रहा है। एक ये भी अहम मुद्दा है जिससे अभिभावक जो है स्कूल बस सर्विस लेने से नकार दे रहे हैं, और इसी को मुद्दा बनाकर जमशेदपुर के जो निजी स्कूल प्रबंधन है ये कह रहे हैं कि अभिभावक ही नहीं चाहते। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बैठ गया है और तब तक बैठेगा जब तक जमशेदपुर के निजी स्कूलों में बस सेवा शुरू नहीं हो जाए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें।
सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवानों का गुरुवार को नगर पुलिस अधीक्षक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई जवानों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई और ड्यूटी में नदारद जवानों को शोकॉज भी किया गया। गुरुवार को जमशेदपुर के नगर पुलिस अधीक्षक एमजीएम अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने ड्यूटी पर तैनात गृह रक्षा वाहिनी के अधिकारी से ड्यूटी रजिस्टर की मांग की। काफी देर बाद उनके पास रजिस्टर लाया गया, जिससे पुलिस अधीक्षक काफी भड़क गए। इसके बाद इन्होंने रजिस्टर के अनुसार ड्यूटी पर तैनात जवानों की जाँच की। रजिस्टर के अनुसार 15 जवान ड्यूटी पर होने चाहिए थे, लेकिन जवानों की उपस्थिति केवल 11 ही थी। इस पर जब ड्यूटी अधिकारी को उन्होंने जवाब तलब किया तो उन्होंने इसकी जानकारी नहीं होने की बातें कही। इस पर उन्होंने ड्यूटी से नदारद चारों जवानों को शोकॉज किया। वहीं उन्होंने ड्यूटी में तैनात जवानों की लापरवाही पूर्वक कार्य से नाराज होकर उन्हें फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जो जवान ड्यूटी में अनुपस्थित हैं, उनकी जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जो ड्यूटी में तैनात है, जो हमारे जवान है, होमगार्ड के जवान है, कुछ ऑफिसर्स है, उनका औचक निरीक्षण किया गया है और जो कमी पाई गई है उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ तैनाती था उसमें कुछ लोग एब्सेंट हैं, पता कर रहे हैं कि क्यों एब्सेंट है, कहीं छुट्टी लेकर के गए हैं या कोई आवेदन देकर के गए हैं कि नहीं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास के भाई मूलचंद साहू के घर पर टुनटुन सिंह नामक व्यक्ति ने हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, घर में फायरिंग करते हुए महिलाओं पर भी हमला बोल दिया। वैसे ये पूरा मामला एक दुष्कर्म के प्रयास मामले को मैनेज करने का था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले टुनटुन सिंह का बेटा एक बलात्कार कांड में जेल गया हुआ था और उस वक्त मूलचंद साहू और उसके पुत्र से टुनटुन सिंह ने पुलिस से सहयोग करने की मांग की थी, लेकिन मूलचंद साहू ने इनकार कर दिया था। उधर जेल से छूटने के बाद टुनटुन सिंह का पुत्र अपने पिता, चाचा और समर्थकों के साथ घर पर हमला बोल दिया और जान से मारने की नीयत से 4 बार फायरिंग की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में टुनटुन सिंह के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मुख्यमंत्री के भाई मूलचंद साहू, भतीजा कमलेश साहू और राजा साहू को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। वैसे सीताराम डेरा थाना और भालूबासा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। इस मामले में एसएसपी, डीएसपी और थानेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उधर मूलचंद साहू की पत्नी ने सीताराम डेरा थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। एक 5 साल के बच्चे के साथ में दुष्कर्म का घटना है। तो कमलेश का दोस्त का है बेटी, उसके बाद टुनटुन सिंह फोन किया कमलेश को, तो कमलेश को बोला कहाँ है बेटा, तो बोला हम घर में है चाचा। तो हमको बोला माँ ग्रिल खोल दो, टुनटुन चाचा आ रहा। हम खोले, 2 गिलास पानी ला के रखे यहाँ,
टुनटुन सिंह से बातचीत कमलेश का हो ही रहा था, तब तक उसका बड़ा भाई, उसका भतीजा और दो चार आदमी कौन था, हम तो सबको अंधेरा में नहीं पहचाने, तो सब सामान उमान लेके आया, आके हाथापाई करने लगा। तो अगर किसी का बेटा का सामने किसी का बाप को अगर कोई हाथ छोड़ेगा तो कोई बेटा बैठ के थोड़ी देखेगा, मेरा पति को मार रहा था तो हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, मेरा घर में घुस के देखे वो लोग आके गुंडागर्दी करके मारपीट करने लगा। जमशेदपुर में आजसू पार्टी ने शिक्षण संस्थान NTTF तथा टाटा मोटर्स प्रबंधन पर छात्रों का प्रशिक्षण के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया, साथ ही इन दोनों पर उचित कार्रवाई की मांग जिले के उप श्रमायुक्त के समक्ष की। पार्टी के जिलाध्यक्ष तमाम नेतागणों ने इस मामले को लेकर उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि शिक्षण संस्था NTTF के द्वारा पहले छात्रों को प्रशिक्षण के नाम पर टाटा मोटर्स कंपनी भेज दिया करती है और कंपनी उन छात्रों को प्रशिक्षण के नाम पर एक कर्मचारी की तरह कार्य करवाती है और जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है और जो सर्टिफिकेट उन्हें प्रदान किया जाता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। इन्होंने कहा कि उस सर्टिफिकेट के आधार पर उन छात्रों को 5 से 6 हजार की नौकरी मिलती है जो आज के युग में कुछ भी नहीं है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों मिलकर इन छात्रों का शोषण कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। NTTF और टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण के नाम पे उनका शोषण किया जा रहा है। जैसे कि NTTF में प्रशिक्षण के नाम पे बच्चों का वैकेंसी लेके टाटा मोटर्स में भेजा जा रहा है और वहाँ पे प्रशिक्षण ना करा के उन बच्चों के साथ उत्पादन यानी प्रोडक्शन वर्क लिया जा रहा है और साथ ही साथ 2 साल के बाद जब वो बच्चा प्रशिक्षण करके वहाँ से निकलता है तो NTTF का दिया हुआ प्रमाण पत्र जो होता है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, महत्व नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी गैर सरकारी और साथ साथ जिस कंपनी में वो प्रशिक्षण कर रहे हैं टाटा मोटर्स, वो भी उन बच्चों को उस प्रमाण पत्र में नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का शोषण हो रहा है। वैसे बच्चे 2 साल के बाद 5,000-6,000 रुपया की नौकरी आदितपुर के औद्योगिक क्षेत्र में कोई छोटे से कंपनी में जाकर करते हैं। हम लोग आज उप श्रमायुक्त महोदय से मांग करने आए हैं कि वैसे मामलों की जाँच करके उचित कार्रवाई करें। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
बजे के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में एनएच 33 की जर्जर व्यवस्था के कारण घाटशिला से अपने घर लौट रहे मानगो के अविनाश नगर निवासी विकास कुमार की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। वहीं इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। मामला डेमना चौक के समीप उस वक्त देखने को मिली जब घाटशिला से अपने घर लौट रहे संकोशाई अविनाश नगर निवासी विकास कुमार एवं अन्य एक परिजन को पीछे से आ रही 10 चक्का वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे विकास कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई एवं पीछे बैठे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से MGM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में मातम छा गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए MGM थाने के ASI और घायल का कहना है कि घाटशिला से वापसी के क्रम में पीछे से आ रही तेज रफ्तार वाहन ने सड़क की दुर्दशा के कारण उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मृत व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है। स्कूटी से आ रहे थे अनियंत्रित होकर के दोनों को धक्का मार दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरे घायल हैं, जिसे अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जमशेदपुर के ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 10 में मोहम्मद अरशद नामक युवक पर बाइक सवार 3 युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल पर चाकू से वार किया गया। बताया जाता है कि अरशद अपने एक साथी के साथ घर से कहीं जा रहे थे। बीच रास्ते में पीछे से 3 बाइक सवार युवकों ने उन्हें आकर रोका और उनके साथ बहस करने लगे। वहीं इसी बहस के बीच एक युवक ने अरशद पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। अरशद के साथी तौसिफ ने बताया कि MGM अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत,
सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। पिछले दिनों 2 अक्टूबर को दिल्ली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में जमशेदपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। आप नेता दिनेश कुमार महतो ने बताया कि देश के अन्य दाताओं पर इस तरह की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई से भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। वहीं आम आदमी पार्टी इसको लेकर आगे उग्र आंदोलन करने के मूड में नजर आ रही है। देखिए, जो केंद्र सरकार 2 अक्टूबर को जो किसान का ऊपर लाठीचार्ज आंसू गैस जो किसान के ऊपर मारपीट किया गया है उसका खिलाफ आज हम आम आदमी पार्टी हम लोग हर एक चौक चौराहे पे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भाजपा सरकार का गलत नीति जो किसान को जो आज हम लोग का अन्नदाता देने वाला है उनका ऊपर जो इन लोग लाठी से भांज रहा, लाठी से डंडा से पीट रहा, तो उनका खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पूर्वी सिंह जिला से। जमशेदपुर में झाविमो पार्टी के द्वारा मोहम्मद अरशद हुसैन को पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का कमान सौंपा गया है। गुरुवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव के द्वारा उनका स्वागत किया गया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने नए प्रभारी का स्वागत माला पहनाकर किया, साथ ही उन्हें दिए गए दायित्वों से भी उन्हें अवगत कराया। वहीं बातचीत के क्रम में पार्टी के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने कहा कि शहर में इन दिनों अपराध चरम सीमा पर है, इसको लेकर उन्होंने जिले के पुलिस कप्तान से गुजारिश की थी गाड़ियों से काले शीशे तथा पार्टियों के बैनर हटाए जाए। इन्होंने कहा कि इस कारण से अपराध चरम सीमा पर है जिस पर प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान प्रभारी के रूप में श्री बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार मोहम्मद अशरफ हुसैन जी जो आज़ाद नगर बस्ती के रहने वाले हैं उन्हें पूरा कुल्हान की जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दिया गया है। और दौरा करने के बाद में जो बाबूलाल जी के विषय हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके विजन और मिशन हैं, उनको अल्पसंख्यकों के बीच में ले जा कर के जोड़े। जमशेदपुर में चाहे वह पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके गाड़ियों से काला शीशा हटनी चाहिए। लेकिन आज पूरे 3 महीने हो गए, 3-4 महीने पत्र दिए हो गया, रिसीविंग हमारे पास में है। मैं माननीय आरक्षी अधीक्षक से मिलकर के उन्हें कहा भी था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। मैं पुनः जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आए दिन जो इस प्रकार की घटना हो रही है, ताला तोड़ा जा रहा है, चोरी हो रही है, छिनताई हो रही है, और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 3 वर्ष के अंदर में 200 से अधिक महिलाओं के साथ में रेप केस हुआ है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।